अतीक अहमद मामले पर रिपोर्ट मांगी है। अतीक अहमद को जिस तरह से पुलिस कस्टडी में मारा गया है उससे कई तरह के संदेह पैदा हुए हैं। मैं कमीशन के द्वारा भेजी गई इस रिपोर्ट की मैं प्रशंसा करता हूँ। उनकी पत्नियों को गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं, प्रयास चल रहा है, सभी टीमें इस पर काम कर रही है, जल्दी गिरफ्तारी होगी ऐसा कहना है उत्तर प्रदेश। अदालत के द्वारा दिए गए सभी निर्देश मान्य होने चाहिए, उसमें कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। योगी जी वो यूपी में धमकी नहीं दे पाएंगे किसी को। एक माफिया का अंत अतीक अहमद के रूप में हुआ है, लेकिन पुलिस तंत्र की विफलता ने एक और माफिया को पैदा कर दिया है। पटना जिले खनन में शामिल लोगों ने खनन विभाग की महिला अधिकारी को घसीटा हमला किया है। हम ऐसे किसी भी दुस्साहसिक प्रयास की आलोचना करते हैं और बिहार सरकार ऐसे सवालों को टैकल करने के लिए और दंड दिलाने के लिए पर्याप्त। आखिरी सवाल है, संख्या में लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, समय बीतने के साथ ममता बनर्जी का भ्रम भी दूर हो जाएगा ऐसा कहना है। ये कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच की विवाद है और हमारे दोनों पार्टियों से अच्छे रिश्ते हैं, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।